चोटियां तो भारी लगा है मेरे दिल पे, बात मेरी तुझसे तो सुन रहा सिर्फ उनके। मंत्री को वोट पर कंट्री तो जेब में, बेचते हैं ख्वाब पर जलते तो खेते हैं। झूठ 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 सच्चाई के कलेश में, ट्रेड मेरा देश सूट एंड टाई के आदेश में। हेलो, गुड इनफ, ग्रेट एक्टिंग गाइस। एक बात बताओ, ये मेरे और अंबानी जी के बीच में मोदी जी क्या कर रहे हैं? मैं सीधा अंबानी को वोट क्यों नहीं दे सकता? अपने को कोई प्रॉब्लम है क्या अंबानी से? बनाओ ना पीएम। अंबानी के पास वो सब कुछ है जो मेरे को चाहिए, मेट्रो, कपड़ा, पेट्रोल, वाईफाई तो फ्री में दिया है यार। इतना दयालु आदमी देखा है, बेटे को जॉब लगाना था, पूरे देश में वाईफाई बांट दिया। अभी पूरा देश एक हाथ में फोन दूसरे में लौड़ा पकड़ के बैठा है। आई रियली थिंक कॉर्पोरेशन शुड फाइट इलेक्शन लाइक रतन टाटा मुकेश अंबानी, लड़ो 2019, इट बी सच अ गुड इलेक्शन। What will they talk about? They'll only talk about development, vikas. They don't know anything else. Like Ratan Tata won't go to UP, look at a room full of people, and then be like, "Mandir yahi banega." Mandir yahi. Kitna out of character lega ni? So Ratan Tata aisa suit mein gaya hai. Rally mein khade hoke chalao. Mandir yahi. Hum hi bolte hain, uncle aap Parsi hai. Niche baitho. Niche baitho. हम देख लेंगे, आप बैठ जाओ। पर यूपी कोई भी साल जाओगे ना तो एक आदमी चिल्ला रहा है मंदिर यहीं बन। कोई आदमी मेट्रो बनाने के लिए इतना एक्साइटेड नहीं है। ये सेम एंथुजियाज्म हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने के लिए नहीं है, पर मंदिर यहीं। 40% यूपी के पास बाथरूम नहीं है, इतना प्रसाद खिलाओगे तो छोड़ेंगे कहां? टाटा टाइप कोई कोई क्या चिल्लाएगा, मैक्स टू मैक्स क्या चिल्लाएगा, बोलेगा नानो का प्लांट यहीं लगेगा। पब्लिक इज लाइक इमोशनल क्यों हो रहा है? लगा ना, मंदिर थोड़ी ना बना रहे, लगा प्लांट। नहीं जेन्युइनली यार, लाइक इफ अंबानी इज आ पीएम, वेयर इज करप्शन? फकिंग गॉन। अंबानी के घर पे कौन जाएगा सूटकेस लेके? Goes to Ambani, I'm like, sir, मेरा 4 करोड़ रुपया, मेरा टेंडर खाली देख लो, बाकी तो अंबानी बोला इधर आ लड़ू, इधर आ। ये जो 4000 करोड़ 2040 में आ रहा ना, अभी मेरे पास है, ठीक है? उस स्विमिंग पूल में अंकल नहाते हुए दिख रहे हैं वहां पे? आओ मोदी जी, बरोबर देख। अंबानी का घर देख लिया यार, बॉम्बे में घर देखा है उसका, साउथ बॉम्बे में क्या बनाया घर, मतलब वर्टिकल विकास खड़ा किया भाई। और इतना हम्बल आदमी है, इतना हम्बल आदमी है, पहले 3 साल रहा नहीं वहां पे। He was like, the वास्तु is not right. And I'm like, तू अंबानी है यार, वास्तु तेरा क्या उखाड़ेगा? Like, वास्तु का एजेंट आएगा तेरे घर पे और बोलेगा, सर आप कमर इधर लगा, मैं बुक में चेंजेस कर देता हूं। अरे मैं करूंगा सर। लाइक आई थिंक अंबानी शुड बी अ पीएम, देन नीता अंबानी विल बी अ फर्स्ट लेडी, एंड दैट इज अ मैसिव अपग्रेड फ्रॉम अमित शाह। हमारा करंट फर्स्ट लेडी जेल जाके आए, बताओ। देश में होता है ऐसा? अभी ये सब बोलता हूँ ना मैं तो लोग मुझे धर्म विरोधी बुलाते हैं। मतलब यार ये मोदी जोक्स पे कोई धर्म विरोधी कैसे बुला सकते हैं? लाइक मोदी जी धर्म है क्या? ये तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडिविजुअल है भाई साहब। सीएम थे, फिर पीएम बने, अभी धर्म हो गए। इतनी तेजी से तो रिलायंस भी नहीं बढ़ता यार। कोई बोलेगा धर्म विरोधी, हम लगे यार मैं धार्मिक हूँ यार, मैं प्रूफ दिखा सकता हूँ। बचपन में हर आरती में घंटी बजाता था, फोटो है जेन्युइनली, ये मोदी जैसे डिग्री जैसा नहीं है, ये फोटो है।
हर आरती में घंटी बजाता था क्योंकि माँ बोलती थी धर्म तेरी रक्षा करेगा। बहुत अच्छी बात है, बड़ा हुआ सब नेता लोग बोल रहे तुझे धर्म की रक्षा करनी है। बोला ये चेंज कब हुआ? और मैं कैसे करूँ यार, मतलब मैं अपना मोबाइल का बिल नहीं भर सकता टाइम पे, और हमारे भगवान इतने लेजेंड है सब, उनको मेरी जरूरत है क्या? मेरे को उनकी जरूरत है। लाइक हमारे भगवान ने इंडिया से श्रीलंका ब्रिज बना दिया उस समय बिना LNT के, जो उनकी रक्षा करने में बिजी है वो LNT के साथ नहीं बना पा रहे। हर दशहरे आएंगे सब नेता तलवार लेके, वो दशहरे पे तलवार देख के मूड ऑफ हो जाता है। इतना टैक्स भरा, कोई इतना आउटडेटेड वेपन हाथ में, कुछ नया तो लाओ यार कि पब्लिक का बना रहे कि हाँ नेता सही कर रहा है। लाओ मतलब रॉकेट लॉन्चर लाओ, कुछ नहीं कुछ मशीन गन लाओ, और रफाइल जेट ही ले आओ, मतलब तलवार और सेम स्पीच, साल के साल सेम स्पीच। हिंदुओं तुम्हें आत्मसम्मान मिलेगा, तुम्हें हिंदू राष्ट्र। हम लाइक कौन मांगा, तू रास्ता देना यार। हिंदू राष्ट्र ऐसी चीज है ना, मैंने नेता को खाली देते हुए देखा है, किसी को मांगते हुए अब तक नहीं देखा, नहीं देखा ना अपनी लाइफ में तो नहीं देखा। नहीं बच्चा का पास हो गया 12वीं, पाप बोल रहा है कि क्या ये मोटरसाइकिल? बेटा बोल रहा है नहीं पापा इस बार तो हिंदू राष्ट्र लेके। उसके बाद नेता लोग सब हिस्ट्री में जा रहे हैं, यही वो फोर्ट है जहां से महाराज ने मुगलों को मारा था और मुगलों पर विजय प्राप्त करके महाराज ने वहां भगवा। आई एम लाइक बहुत सही है भाई, पर महाराज का एग्जांपल लेके आप थोड़ा अपने लाइफ में भी इंट्रोस्पेक्ट करो ना। नहीं महाराज 300 साल पहले फोर्ट बनाया, अभी तक खड़ा है। तुम लोग 2 साल पहले रोड बनाया, गायब है। कहीं महाराज आ गए ना वापस? नहीं महाराज छोड़ो, घोड़ा रिजेक्ट कर देगा काम। घोड़ा ही बोला महाराज आपको पता है क्या, हर पुतले में मेरा 2 टांग ऊपर क्यों है आपको पता है? आपके नेता लोग 4 टांग रखने का जगह ही नहीं छोड़े। इस पे लोग गाली देगा, और मोदी जी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता रहा हूं। उन्होंने बोला है क्रिटिसिज्म इज बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी। खाली मेरे को डायरेक्टली मत बताओ, अपना करते रहो। देखो मोदी जी का प्रॉब्लम नहीं है, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, पर मोदी जी के जो सारे फैन है ना पूरी तरह चुतिया गए हैं। मतलब काफी सारे तो NRI है, मतलब IPL गेम का चीयरलीडर को क्या फर्क पड़ता है, वो तो नाचेगा जो भी चौका छक्का मारे उसको, वो NRI है, वहां पे बैठा है दूर 20 साल से गांड पे टिश्यू पेपर रगड़ रहा है। अभी कोई वतन से आएगा तो एक्साइटमेंट तो होगा ना, चिल्लाएगा मोदी मोदी, उसको क्या मोदी। इसलिए मोदी जी किधर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच देखने का भी चले गए ना, मेरी वहीं फट लेगी। तो पता नहीं ना, मतलब इंडिया किधर ट्रिकी पोजीशन में आ गया तो भक्त उन्हें ना भेज दे बैटिंग पे। 3 बॉल में 17 चाहिए, कोहली का विकेट चला गया, सब NRI भक्त चालू मोदी मोदी मोदी, अरुण जेटली आके पैड पहना रहा है, अमित शाह बॉलर का हाथ काट रहा है, बॉलर मुंह में बॉल लेके आ रहा है, जीप भी कटी हुई है कहीं स्पिन विन ना हो जाए, मोदी जी के पैर पे बॉल लगता है, फील्डर खुद उठा के बाउंड्री लाइन ले जाता है, अंपायर छक्का देता है, कमेंटेटर सेंचुरी बताता है, रात को एक जर्नलिस्ट पूछता है व्हाई इज JNU साइलेंट टुनाइट, डेथ थ्रेट पे डेथ थ्रेट। एक बंदा 1 साल से लिख रहा है लुधियाना से, गांड में गोली मारूंगा। जेन्यू इतना स्पेसिफिक है वो, जेन्यूनली मैं भी सोच रहा हूं कि ये डेथ थ्रेट है या सेक्सुअल प्रेफरेंस है इसका। लास्ट टाइम उसने बोला गांड में गोली, मैं बोला मन बना लिया तो आ जा। 2 days नो रिस्पॉन्स, देन आई एम ओनली लाइक किधर है ब्रो, दूसरे काम भी होते हैं।
ही इज लाइक IRCTC मेरा सीटी कंफर्म नहीं कर रहा है. देन इज लाइक टू राइट तैयार देश के बारे में. देन आई एम लाइक सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. नाउ वी आर फ्रेंड्स. एक बार तो दिल्ली एयरपोर्ट में नेता ही बोल दिया. लाइक मैं चल रहा हूँ, सडनली पीछे से हाथ आया, मैं टर्न हुआ ना, मैं देखा ये पक्का नेता है. लाइक शक्ल पे ही दिख रहा है पेट में पब्लिक का पैसा है. ही लुक्स एट मी एंड इज लाइक, अरे बेटा कॉमेडी करो ना, करो कॉमेडी, कौन रोका, करो करो, पर पॉलिटिक्स हम पे छोड़ो. टू विच आई सेड, सर आप पे ही छोड़ा था. फिर मैं देखा आप लोग कॉमेडी कर रहे हो. साढ़े चार साल से आप बोल रहे हो कोई और अपोजिशन है नहीं. जेन्युइनली हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ऑप्शन नहीं है. एक दिन हम लोग सब जाते हैं एयरपोर्ट और ब्रिटिशर्स को वापस बुलाते हैं. कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है. जाते हैं, बोर्ड लेके जाते हैं, साइमन कम बैक. अरे आया, तुम लोग 47 से रेलवे का काम छोड़ के गए थे, अभी तक बाकी, आ जाओ. पर इंडिया किसी को बुलाने का प्रॉब्लम यही है, थोड़े साल में वो बंदा इंडियन हो जाएगा. तो कुछ साल बाद साइमन घूम रहा है चिल्लाते हुए, मंदिर यहीं बनेगा, मैं बनाऊंगा मंदिर. अरे भाई साहब, आपका नाम साइमन है, आपको क्या हुआ? लाइक मेरी घर वापसी हो चुकी है, अभी मेरा नाम संबित पात्रा है. One side, ये media तो पूरा साला बेका. One side और मैं other side. Why should I run hide? ये show लेके सिक्कों से देश को चलाए, फिर तो हाथ तेरी batting, मेरी bowling ही आए. सच्चाई तो बताए, चलो facts तो दिखाए, अब मैं बोलूँगा क्योंकि अब जरूरी है. Shut up.